करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस मर्तबा इस त्योहार की उसी के अनुरूप सार्थक करने चली है फतेहपुर की महिलाएं। यानी शनिवार को करवा चौथ पर पत्नियां अपने पति को उपहार के तौर पर हेलमेट सौंपकर उन्हें इसे पहनकर ही चलाने का वचन भी लेंगी। शुक्रवार को इस तरह के हेलमेट 15 महिलाओं ने गैर सरकारी संस्था नोबल कम्युनिटी फाउंडेशन की तरफ से हासिल किए हैं। इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें SDM फतेहपुर बलवान चंद के हाथों से कुल 15 हेलमेट वितरित किए गए, जिनमें 15 महिलाओं ने भी ये हेलमेट लिए। फतेहपुर में जो है वो सड़क सुरक्षा को के बारे में जागरूक करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी फाउंडेशन एक हमारी NGO के माध्यम से लोगों को हमने यहाँ पर एकत्रित किया, बच्चों को एकत्रित किया जो बाइक चलाते हैं और जिनके पास हेलमेट नहीं है। तो हमने 75 हेलमेट्स जो है वो आज दिए और इनको हमने अपनी मुहिम के साथ जोड़ा कि ये लोग जब भी कभी चलेंगे ये हेलमेट पहन करके चलें। इसके अतिरिक्त हमने 15 लेडीज़, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है, हमने इनको भी 15 हेलमेट्स इनको दिए ताकि ये अपना कल अपने पति को जो है वो एक गिफ्ट के तौर पर दें और वो भी इस तरीके से हमारे इस मुहिम में जुड़े। नोबल कम्युनिटी फाउंडेशन के संयोजक मंगल सिंह का कहना है कि हमारा मकसद सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है नोबल कम्युनिटी फाउंडेशन की तरफ से किया गया। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और करवा चौथ के उपलक्ष्य पर हमने कुछ महिलाओं को भी ये दिए हैं ताकि ये मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है यातायात नियमों की एक छोटे स्टेप से शुरुआत करके आगे जाकर बड़े लेवल पर लेके जाना। वहीं हेलमेट वितरण कार्यक्रम के बाद SDM फतेहपुर भी हेलमेट पहनकर स्कूटर पर सफर करते नजर आए। साथ ही युवाओं ने SDM कार्यालय से हाडा चौक तक रैली निकालकर हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने का संदेश दिया। फतेहपुर से गगन और अनिल छांगू की रिपोर्ट।